देखिए, सबसे पहली मोरेजॉल इज ए सबसे पहली प्रॉपर्टी मोरेजॉल इज ए लिक्विड. दूसरा लिखिए डाइबाजी बोरेजॉल. दूसरे नंबर का पहला हो गया लिक्विड होता है, सेकंड है बोरेजॉल डिकम्पोज. Decompose slowly on standing. Slowly on standing and hydrolyze at high temperature. इसकी वाटर के साथ रिएक्शन. पहले बीच में देखो, पहले वाटर की जब तीन मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ये एक मीडिएटर एडिटिव प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि सभी को मिला के एक प्रोडक्ट जो कि इनस्टेबल होगा. उसमें और वाटर डालेंगे तो आपका ये BOH3 बन जाएगा और अमोनिया गैस इसमें निकलेगी. देखो, एक तीसरी प्रॉपर्टी समझो इसकी. यहां पे क्या होता है बेंजीन में, इसकी जो स्ट्रक्चर है बेंजीन जैसा है, लेकिन बेंजीन में सभी परमाणु सभी एटम किसके हैं, कार्बन के. तो इनके बीच में पोलैरिटी नहीं आती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सबकी, तो पोलैरिटी नहीं होगी. जबकि एन और बी के बीच में पोलैरिटी होती है, अलग-अलग है. इस वजह से ये पोलर होते हैं और ये आपके नॉन पोलर. इस वजह से ये इतने अच्छे रिएक्टिव नहीं होते जितने कि अच्छे ये रिएक्शन कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? इससे बेटर रिएक्शन ये कर सकते हैं. लिखिएगा इन बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर
एट द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस इज वेरी रेसिस्टेंट very resistant to addition reaction. इस वजह से addition reaction देने में थोड़ा सा resist करता है. Whereas the borazole nucleus because of its polarity is fairly reactive, आसानी से रिएक्शन कर सकता है. इसको बना लीजिए, यहाँ लिख देना नॉन पोलर, उसमें लिख देना पोलर, समझ आ जाएगा. कार्बन कार्बन के पे इसके पोलरिटी नहीं होती. अब है रिएक्शन विद ब्रोमीन. नंबर वन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देखें इसकी. देखो बोरेजोल को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि तीन पी जुड़े होते हैं इसे और तीन जुड़े होते हैं एच. एच सिक्स को आप दो भागों में बांट सकते हो. थ्री बी आर टू के साथ रिएक्शन. ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है.
देखिए ये रिएक्शन अगर आप इस तरह लिखोगे तो शायद समझ में ना आए, इधर देख लो इस तरह लिखोगे तो समझ में शायद कम आए, लेकिन इस तरह लिखोगे तो ये आसानी समझ में आ रही है। सबके पास ये क्लियर मिलेगा पहले, उसके बाद इसमें से 3H क्लियर निकल जाएगा और आपका ये बचेगा ट्राई ब्रोमो ओरेसो। क्या बचेगा? ये ट्राई ब्रोमो तो इसको रिएक्शन को आप दोनों तरह लिख लो। नहीं नहीं इसमें क्या है, वेंडिंग वाली याद कर लो आप, उसमें सी सी है, इसमें एन बी भी चलेगा। ये अब बी आर टू जोड़ने हैं, सब में बी आर टू जोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है आपको, नाइट्रोजन में से बी आर हटाना है, बोरोन में से एच। इसीलिए आपको स्ट्रक्चर पर लिखाइए, ये आसानी से समझ जाए। अगली आपकी रिएक्शन बेस ऐसी है, रिएक्शन बेस ऐसी है,
ये देखिए एचडीएल के साथ रिएक्शन इसको एक बार और गर्म करते हैं इसमें से 6 हाइड्रोजन निकाल जाएंगे
डबल बॉन्ड का मतलब इसका बेंजीन में होता है sp2 संरचना, इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन उसमें भी क्या होगा sp sp2 करने के बाद इसकी बचती है आपके पास एक खाली ऑर्बिटल और उसमें बच जाएंगे परिव्यूह, यानी कि इसके पास एक परिव्यूह होगी और इसके पास एक खाली हुई पी ऑर्बिटल बचेगी। हाइड्रोजन पे भरी हुई और बोरोन पे खाली, यहां से बनेगा आपका पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा, एक पाई बॉन्ड आपका टोटल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसकी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
Hexagonal structure like boron and nitrogen atoms. Boron and nitrogen atoms. sp2 hybridization. So 3sp2 hybrid boron atoms. 3sp2 hybrid boron atoms and 3sp2 hybrid nitrogen atoms. 3sp2 hybrid boron atoms. And 3sp2 hybrid nitrogen atoms form a hexagonal ranging structure. Form a hexagonal ranging structure in which each boron atom. Each boron atom has a vacant unhybrid p orbital and each nitrogen atom each nitrogen atom has a filled unhybrid p orbital. Unhybrid p orbital. The unhybrid p orbital of nitrogen the unhybrid p orbital of nitrogen atom overlap with unhybrid p orbital of boron atom to form three NB pi bond. देखो इसके बाद आपका टॉपिक आएगा वो आएगा आपका कुलरी. कुलरी आप जानते हो कार्बन की एक फॉर्म होती है. इसमें क्या होता है टोटल आपके कार्बन के 60 एटम्स और 60 एटम्स इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि कुछ तो होते हैं हेक्सागोनल और कुछ होते हैं उसमें पेंटागोनल. इस प्रकार से हेक्सागोनल और पेंटागोनल की दोनों की मिलाकर के फुटबॉल जैसी रचना अगला जो टॉपिक होगा आपका ये क्लोरीन वाला होगा. इसकी कोई फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टी और क्या इसका आपको
इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे उसमें फिर थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। उसमें क्या होगा जैसे कि ICN Thank you.